top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. हमारे साथ है हिंदू महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रप्रकाश कौशिक जी। कौशिक जी, सबसे पहले तो आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2072 चालू आए हिंदुत्व के, उसमें क्या कहना? सबसे पहले तो मैं आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये नववर्ष मंगलमय हो आपके लिए और आपके और आपके चैनल के लिए, ये उपलब्धियाँ कायम करे। और जो ये नववर्ष आया है, ये एक तरह से देश की आज़ादी का पहला नववर्ष है जिसको हम मान सकते हैं कि ये हमारा नववर्ष है, क्योंकि अब से पहले तक 1947 में देश की आज़ादी हम नहीं मानते थे। ये 14 में देश आज़ाद हुआ और उसके बाद ये पहला नववर्ष आया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये नववर्ष हमारे देश के लिए और हमारी जो भावनाएँ हैं, हमारा जो विश्वास है कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, उसके लिए ये पूर्ण रूप से नववर्ष रहे। और सभी देशवासियों को इस नववर्ष की हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और हमें उम्मीद ही है कि इस नववर्ष में जो हमारे उद्देश्य हैं, गंगा, गो, तुलसी, गाय, इन सब की रक्षा सुरक्षा हमारी सरकार इसलिए करेगी, और नववर्ष का तोहफा इसी रूप में हमें देगी कि ये जितने भी हमारे एजेंडे हैं उन सब पे सरकार पूरी तरह से उनको लागू करेगी। इसी उपलक्ष्य में क्या तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से क्या कार्यक्रम आपने योजना तैयार की है इसके लिए? 13 अप्रैल को हिंदू महासभा के का शताब्दी वर्ष हम मनाने जा रहे हैं बड़ी धूमधाम के साथ, और इसमें हमने काफ़ी जितने भी अपने आप को हिंदूवादी लोग कहते हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे शिवसेना हो, और चाहे बीजेपी के भी जो नेता मंत्री अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, हमने सबको आमंत्रित उसके अंदर किया है। सुब्रमण्यम स्वामी और गोविंदाचार्य जी ने अपनी तरफ से अभी हमें हाँ बोल दिया है, तो उनकी उपस्थिति अनिवार्य रहेगी यहाँ पे। और बाकी अभी हमारे पास पूरे जवाब नहीं आए हैं कि कौन कौन से सांसद आएंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि हिंदुत्व के नाम पर सारे के सारे सांसद और मंत्री हिंदू महासभा में पधारेंगे, और उस दिन हम 100 साल की हिंदू महासभा की उपलब्धियों का विवरण पूरी तरह से आपको देंगे। अध्यक्ष चंद्रप्रकाश कौशिक जी, कैमरामैन जितेंद्र पाल के साथ अनुपम गौतम, 10 न्यूज़ दिल्ली।